गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को हिंदी में पर्व के बारे में बताऊंगी। पर्व मतलब फेस्टिवल्स, फेस्टिवल मतलब त्यौहार। तो त्यौहार हम लोग बहुत सारे मनाते हैं, होली, दशहरा, दिवाली, ईद, राखी, ये सब क्या है, ये सब पर्व हैं। तो आज मैं कुछ पर्व के बारे में बताऊंगी और कैसे लिखा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ देखिए नंबर वन में क्या है, द श ह र में आकर रा दशहरा। दशहरा विजय पर्व है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन राम ने रावण को मारा था, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। दशहरा में 10 दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है। दशहरा के दिन सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, आप लोग भी पहनते होंगे, और एक दूसरे के घर जाकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। मिठाइयाँ और तरह तरह के पकवान हम लोग खाते हैं, खाते हैं ना। तो ये क्या है, द श ह र में आकर रा दशहरा। हम लोग कैसे लिखेंगे, द श ह र में आ की मात्रा रा दशहरा। आप देखिए नेक्स्ट है नंबर टू। यहाँ नंबर टू में क्या है, द में छोटी की मात्रा दी, व में आकर वा, ल में बड़ी की मात्रा ली। दिवाली, दिवाली देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। इस दिन हर तरफ खुशी का माहौल होता है, लोग रंग बिरंगी लाइटों से अपने घरों को सजाते हैं, आप लोग भी सजाते होंगे, बच्चे पटाखे जलाते हैं, लेकिन पटाखे के धुआं हवा को गंदा करते हैं, इसलिए ज़्यादा पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे आप लोग देखे होंगे जब पटाखे जलते हैं तो बहुत सारे उसमें से धुआं निकलता है, उससे क्या होता है, उससे हवा जो है वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे पटाखे हम लोगों को नहीं जलाने चाहिए। और दिवाली में हम लोग दिया जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और बहुत सी तैयारियां करते हैं। माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजा करते हैं। तो ये क्या है, दिवाली। दिवाली को हम लोग दीपावली भी बोलते हैं। दिवाली को हम लोग क्या दीपावली भी बोलते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो ये दिवाली हम लोग कैसे अभी यहाँ लिखेंगे, देखिए, द में छोटी ई की मात्रा दी, व में आ की मात्रा वा, ल में बड़ी की मात्रा ली, दिवाली। अब देखिए नंबर थ्री में आपका क्या है, र में आ की मात्रा रा, ख में बड़ी की मात्रा खी, राखी। राखी तो अभी अभी आप लोग मनाए थे, आप लोग को पता होगा अभी आप लोग राखी मनाए थे और आप लोग हमेशा मनाते हो। तो राखी भाई बहन का पर्व है। इस दिन भाई बहन से वादा करता है कि वह अपनी रक्षा करेगा, वह उसकी रक्षा करेगा, सॉरी, वह उसकी रक्षा करेगा, किसकी, अपने बहन की। बहन भाई को मिठाई खिलाती है और कलाई पर राखी बांधती है, आप लोग भी बांधते हो, और भाई बहन को कुछ गिफ्ट देते हैं। तो ये क्या है, राखी। राखी हम लोग कैसे लिखेंगे, र में आ की मात्रा रा, ख में बड़ी की मात्रा खी, राखी, ठीक है। अब देखिए नंबर फोर में है आपका छठ। छठ, छठ मुख्यतः बिहार और झारखंड का पर्व है। इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। यह 3 दिनों का पर्व है। इसमें ढलते सूरज और उगते सूरज का पूजा किया जाता है। इसमें बहुत तैयारियां की जाती हैं, हम लोग नदी भी जाते हैं, नदी में जाकर पूजा किया जाता है, आप लोग भी जाते होंगे नदी में, आप लोग को भी मजा आता है जाने में छठ में, छठ पूजा में, आप सभी लोग जानते हो। तो ये क्या है, छठ। छठ, अब देखिए नंबर फाइव। नंबर फाइव में है बड़ी ई द, ईद। ईद मुख्यतः मुस्लिम लोगों का पर्व है। ईद में 1 महीने का उपवास रखा जाता है, यानी इसे क्या कहा जाता है, रोजा। इसे क्या कहा जाता है, रोजा। ईद का चांद दिखने के बाद ईद मनाई जाती है। इस दिन सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद की बधाई देते हैं। इस दिन सेवइयां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, सेवइयां। तो ये क्या है बेटा, ईद।
बड़ी ई द ईद। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को क्या बताया, पर्व जिसको हम लोग त्योहार बोलते हैं। तो अब देखिए यहां पर है आपका सही मात्रा लगाओ। यहां पर मैंने कुछ शब्द दिया है जिसमें आपको सही मात्रा लगाना है और शब्द को पूरा करना है। तो यहां देखिए नंबर वन में क्या है, न द, न द में हम लोग कौन सी मात्रा लगाएंगे कि ये एक मात्रा वाला सही शब्द बन जाए। तो यहां पर हम लोग द में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, क्या बन गया, न द में बड़ी की मात्रा दी, नदी। ठीक है, अब देखिए नंबर टू है आपका क त में आ की मात्रा ताब, कताब तो कोई शब्द नहीं है, अब इसमें हम लोग कौन सी मात्रा लगाएंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे छोटी की मात्रा, क में छोटी की मात्रा की, त में आ की मात्रा ता ब किताब। अब देखिए नंबर थ्री आपका है ट म, और यहाँ डैश है टर, ट म टर तो कोई शब्द नहीं है, अब यहाँ कौन सी मात्रा लगेगी, यहाँ कौन सी मात्रा हम लोग लगाएंगे कि ये एक सही शब्द बन जाए। तो यहाँ म में आ की मात्रा लगाएंगे, क्या बन गया, ट म में आकर मा टर टमाटर। अब देखिए नंबर फोर है स में आ की मात्रा सा ब न, साबन तो कोई शब्द नहीं है, अब हम लोग को यहाँ कौन सी मात्रा लगाएंगे कि ये एक सही शब्द बन जाए। तो यहाँ पर हम लोग छोटे ऊ के ब में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो देखिए क्या बनता है, स में आ की मात्रा सा, ब में छोटे ऊ की मात्रा बू न साबुन। साबुन आप लोग सभी को पता है किसको बोलते हैं हम लोग। अब देखिए नंबर फाइव में आपका है ग न त में बड़ी की मात्रा ती, गंती, गंती तो कोई शब्द नहीं है, इसमें हम लोग कौन सी मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ पर ग में छोटी ई की मात्रा हम लोग लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, गिनती, ग में छोटी ई की मात्रा गी, न त में बड़ी की मात्रा ती, गिनती। अब देखिए नंबर सिक्स है द पक, दपक कोई शब्द नहीं है, अब यहाँ कौन सी मात्रा हम लोग लगाएंगे, छोटी बड़ी आ की मात्रा या छोटे ऊ की मात्रा, यहाँ हम लोग लगाएंगे बड़ी की मात्रा, द में बड़ी की मात्रा दीपक, दीपक, दीपक हम लोग पूजा में भी जलाते हैं और दीपावली में तो जरूर जलाते हैं। अब देखिए यहाँ नंबर सेवन है आपका ज में आ की मात्रा जामन, जामन तो कोई शब्द नहीं है, अब इसमें हम लोग कौन सी मात्रा लगाएंगे, ज में आ की मात्रा जा, म में छोटे ऊ की मात्रा मू न, क्या बन गया, जामुन। ठीक है, अब देखिए यहाँ नंबर एट में आपका है घड़, तो कोई शब्द नहीं है, अब यहाँ कौन सी मात्रा हम लोग लगाएंगे, छोटी ई लगाएंगे क्या, अगर छोटी ई लगाएंगे तो वो तो गलत हो जाएगा, यहाँ हम लोग आ की मात्रा भी लगा सकते हैं तो क्या बन जाएगा, घड़ा, अगर यहाँ हम लोग बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, घड़ी। तो यहाँ घड़ में बड़ी की मात्रा डी, क्या बन गया, घड़ी। तो ये था आपको सही मात्रा लगाओ। तो आपको जब एग्जाम में आएगा तो आप लोग मात्रा सही से याद रखोगे तभी आपका ये सही बनेगा। ठीक है, अब ये यहाँ देखिए मैंने हिंदी में जो अभी आपको पर्व और सही मात्रा लगाओ कराया, इसको आप अपने हिंदी की कॉपी में राइट कीजिएगा एंड लर्न कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।